बोटिंग करने के लिए ये तालाब है, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो। जितने भी लोगों को रॉयल किला पसंद है वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम टू अंदर न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा रॉयल किला का नया इस्पात सरोवर उद्यान जो यहाँ पे बना हुआ है, और ये 15 अगस्त को उद्घाटन हो चुका है दोस्तों, और उसी को मैं आपको दिखाऊंगा। और यहीं पे दोस्तों जो उड़ीसा का सबसे लंबा फ्लैग जो यहाँ पे लगा हुआ है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब कर दिए रहते हैं लेकिन बाद में क्या होता है पता नहीं, वो अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये उद्यान का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इस्पात सरोवर उद्यान, और ये उद्यान जो अभी फिलहाल में ये स्टार्ट हुआ है। चले उसका व्यू दिखा देता हूँ बाहर से ही, क्योंकि अभी तो क्लोज है तो अंदर नहीं घुसने नहीं देगा, इसलिए बाहर से ही मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मज़ा आएगा। ये जो है उसका एंट्री गेट, मेन गेट है ये, लेकिन अभी क्लोज है, अभी कब खोलेगा वो पता नहीं है, लेकिन उद्घाटन हो चुका है और बहुत ही बनावट और कुछ चल रहा है यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों उसका व्यू, और व्यू कुछ इस तरह से है, मज़ा आ रहा है देखने के लिए। यहाँ पे बीच बीच में बैठने के लिए भी सब बना हुआ है, और ये बोटिंग करने के लिए ये तालाब है, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हो, लेकिन अभी खुला नहीं है, खुल जाएगा तो वो वाला सारे सुविधा यहाँ पे, बोट भी अभी तो नहीं है लेकिन उस वक्त बोट भी अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर दिखाता हूँ इसका साइड एरिया, उड़ीसा का सबसे लंबा फ्लैग है, और यहाँ पे हम जो देखते हैं इसका जो ऊंचाई है वो 230 फुट है दोस्तों, और देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। और आम बगान का ठीक और उसका ऑपोजिट साइड में ये वाला है, आप यहाँ पे आके घूम सकते हो, लेकिन जब खुलेगा तब। ठीक है, चलिए उसका बैक कैमरा से मैं दिखा देता हूँ बढ़िया से सिनेमेटिक शॉट। दोस्तों ये फ्लैग देख सकते हो, और इसका ऊँचाई जो 230 फीट है, और अभी हवा चलती है तो बहुत मस्त लहराती है दोस्तों, तो अच्छा लगता है दिखने में। पहले तो मैं दिल्ली में देखा था, उसके बाद यहाँ पर रॉयल किला में देख रहा हूँ। वहाँ पे बीच बीच में बैठने के लिए दिया हुआ है, और खुल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए आइएगा और मज़ा आएगा। यहाँ पर फ़ोटो शूट कीजिएगा तो मस्त लगेगा। और थोड़ी सामने से मैं दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। बस यहाँ पे देख सकते हो, और थोड़ी देर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जितना स्पेस जो मिल देख रहे हैं वहाँ पे फूड कोर्ट होगा, कम्प्लीट हो जाएगी तो देखने के लिए भी मज़ा आएगा, और यहाँ पे टिकट भी लगेगा, वैसा नहीं कि फ्री है, अच्छा व्यू भी मिलेगा हमें और बढ़िया फ़ोटो भी उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, और एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पे वो तालाब, इसमें बोटिंग कर सकते हैं, और मैं ज़रूर बोटिंग करके इसमें आपको दिखाऊंगा दोस्तों। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो आई लव रॉयल किला लिखा हुआ है, और जिनको भी रॉयल किला पसंद है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। इस तरह से दो जगह पे लिखा हुआ है दोस्तों।